हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल SMT स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, सही इन्वेस्टर वही है जो अपने टाइम के साथ अपने दिमाग को चेंज करके और सही जगह पे अपना पैसा लगाए ताकि उसको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा पैसा उसको आगे रिटर्न में मिल सके। दोस्तों, मैंने बार बार आपको ये चीज़ बार बार बोली है कि आप अपने दिमाग को एकदम से पुराने ख्यालों का एकदम रिजिड ना बनाएं। जहाँ पे कंपनी जो ग्रोथ कर रही है, जो अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, उसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और आगे का सोच के, फ्यूचर का सोच के इन्वेस्ट करें। मैंने आलोक इंडस्ट्री का भी आपको बोला था, मैंने रुचि सोया का भी आपको बोला था और मैंने वोडाफोन का भी आपको बोला था। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में आपको बताया, आप पीछे जाके देख सकते हो, PVR का भी मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिर भी उसके बाद में भी नहीं सुनते हैं और वीडियो देखने के बाद भी सोचते हैं कि निफ्टी यहाँ चली जाएगी तो लेंगे, वहाँ चली जाएंगे तो लेंगे, ये ऑपरेटर्स का कमाल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऑपरेटर कुछ टाइम तक हावी रह सकते हैं दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑपरेटर हावी नहीं रह सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है वो 7.85 तक चला गया आज, डबल डिजिट को क्रॉस करने की तरफ। दोस्तों, ये बढ़ रहा है, डबल डिजिट को क्रॉस करने की तरफ बढ़ रहा है। गाइज, आज इसने 19.85% का अच्छा खासा रिटर्न, मोटा रिटर्न दिया और इस रिटर्न की जो वजह थी वो ये थी दोस्तों कि आगे आने वाली कुछ फ्यूचर्स की डील हैं, उन डील की वजह से ये बढ़ता जा रहा है ये स्टॉक। और आगे भी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी रैली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी रैली आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं इसके 52 वीक लो की, तो वो है 2.40 और जो 52 वीक हाई है वो है 14.40। ये अपने जो 52 वीक हाई है उसको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों, उसकी तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। ये उसके हाफ से भी ज़्यादा तक पहुंच गया और कल तक जो स्टॉक 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ में अपन को मिल रहा था, वो स्टॉक आज 7.85 तक पहुंच गया है। लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स थे उन इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल तक कर चुका है दोस्तों। तो अगर अपन इसके बारे में, इस स्टॉक के बारे में मोटा मोटा देखें तो इस स्टॉक की जो प्राइस है आज के टाइम भी देखें तो वो प्राइस है 7.85 जो इसने आज के टाइम पे बनाई है। वो भी मैं बार बार, उस दिन भी मैंने बोला था आपको जब इसकी 5 प्राइस थी तब मैंने बोला था इसके बहुत अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है, बहुत अंडर वैल्यूड ये स्टॉक चला गया है और ये आपको मिल रहा है तो आप इसके अंदर बाइंग करिए, लॉन्ग टर्म बाइंग करिए। एक दो दिन के लिए आप चार्ट ऊपर नीचे जाता है तो उसके ऊपर आप हर बार सेलिंग कर देते हो और फिर बोलते हो कि सर हमें लॉस हो गया। तो आप थोड़ा सा पोजीशंस को बनाइए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए उसको, इंट्राडे के अंदर इसके अंदर जाने का मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है अगर अपन देखा जाए तो। क्योंकि जो टेलीकॉम के अंदर है, टेलीकॉम के अंदर आइडिया का इंडिया के अंदर यूजर्स के मामले में भी देखें तो 3rd नंबर पर आता है आइडिया वोडाफोन। और दोस्तों, आज के इसके चार्ट की बारे में बात करते हैं अपन। आज का इसका चार्ट देखें तो सुबह सुबह जब ये ओपन हुआ था, ये 1 डे का चार्ट है आज का, इसमें जब सुबह सुबह देखें तो इसने ओपनिंग की थी, कुछ खास गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, बहुत सारे स्टॉक ऊपर ओपन हुए थे लेकिन इसकी कुछ खास ओपनिंग नहीं हुई। उसके बाद में इसने अच्छी खासी ट्रेडिंग चलती रही, ऐसा भी नहीं था कि, क्योंकि पिछले टाइम में जब इसका देखें, पिछले वीक में, तो इसने एक बहुत ही अच्छा खासा स्पाइक लिया था, जो स्पाइक था गूगल वाली न्यूज़ की वजह से। बाद में इन्होंने क्लियरिफाई किया कि गूगल के साथ बात तो चल रही है लेकिन अभी हमारी बहुत सारों के साथ बात चल रही है और अभी कोई डील फिक्स नहीं हुई है। तो दोस्तों, जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ को यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला कि हम इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ एकदम से सही भी नहीं बोल सकते दोस्तों। उसके पीछे का रीज़न होता है, देखो आपको मैं समझाता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों बोला। ऐसा बोलने का पीछे का रीज़न है एक कंपनी की रेपुटेशन। मान लो वोडाफोन उस टाइम ये बोल देती कि हाँ हमारी डील हो रही है, चल रही है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज स्पाइक आ जाता और ये स्टॉक चला जाता 20 पे, मान लो 20 RS पर शेयर पे स्टॉक चला जाता, और बाय द वे 1% भी ऐसा चांस हो कि वो डील कैंसिल हो गई या वो डील अल्टीमेट तक जो है लास्ट तक नहीं पहुँच पाई, तो फिर दोस्तों जो स्टॉक है इसकी हालत क्या हो जाती कंपनी के स्टॉक की। इसलिए कोई भी कंपनी जब तक फुल एंड प्रूफ दोस्तों उसके साथ वो डील ना हो जाए तब तक वो डिस्क्लोज नहीं करती है।
क्योंकि उसके बाद में जो इम्पैक्ट देखना को मिलता है वो बहुत भयंकर इम्पैक्ट होता है, उसकी जो पब्लिक है वो एकदम पैनिक कर जाती है। इसलिए इन्होंने इस न्यूज़ को बोला कि हम इस न्यूज़ को अभी होल्ड करेंगे जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद में आज देखेंगे अपन तो अराउंड 11 बजे, उससे पहले ही थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश कैंडल देखने को मिल गई थी दोस्तों, अपन को सिग्नल मिल गया था, यहीं पे अपन को सिग्नल मिल गया था, एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे सिग्नल मिलने के बाद भी उसके बाद एक शानदार कैंडल देखने को मिली, फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक बहुत ही शानदार कैंडल, और उसके बाद में इसने एकदम यहाँ पे स्टेबल किया, खुद को स्टेबल किया, और स्टेबल करने के बाद लास्ट में आप देखोगे लोगों ने बोला कि नहीं अब ये वापस गिरेगा, वापस गिरेगा। और मैं अफसोस के साथ बोल रहा हूँ, आज फिर से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने नुकसान उठाया, यहाँ पे बेच दिया, किसी ने यहाँ पे बेच दिया। आप है ना थोड़ा सा वेट किया करो, थोड़ा सा वेट किया करो, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता रहता है ना, जब आपको नुकसान दिखता है उस डिम अकाउंट में थोड़ी देर के लिए, आप वो नहीं झेल पाते हो, आप उसको देख भी नहीं पाते हो, आपका दिमाग हिल जाता है कि ये क्यों, मैं माइनस में क्यों जा रहा हूँ, मेरा डिसीजन गलत कैसे हो सकता है। दोस्तों थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा एनालाइज करो चीज़ों को, ये ऊपर जा रहा है इतने दिनों से तो कोई कुछ ना कुछ वजह होती है इन चीज़ों की, ऐसे ही नहीं जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर भाइयों ने लॉस खाया आज, और उस लॉस खाने के बाद फिर से ये ऊपर चला गया, तो उन्होंने लगा कि यार ये क्यों बेच दिया, हमने गलत बेच दिया। ये ऊपर जाने की वजह भी ये थी कि जो कल ये इसके अंदर ओपनिंग होगी दोस्तों, ये उस पे उसके लिए ये दाव इन्वेस्टर्स ने उसके लिए खेला है, जो कल ओपनिंग होगी, जो गैप डाउन ओपनिंग होगी उससे पहले ही इन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया इस स्टॉक को, और यहाँ पे बहुत सारों ने बाई किया। तो दोस्तों मेरा ये विश्वास है आज का चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं इसकी वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है आज उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो वॉल्यूम ट्रेड हुई है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो आप देखोगे आप शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों, आज इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम में इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है। जो एनएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जब क्लोज हो गया मार्केट उसके बाद में एनएससी के अंदर 94 करोड़ के अंदर इसके जो स्टेक हैं उनकी ट्रेडिंग हुई, और जो बीएससी है बीएससी के अंदर इसके अंदर 12 करोड़ की ट्रेडिंग हुई। दोस्तों मोटा मोटा बोलूँ तो मैं 110 करोड़ की ट्रेडिंग अराउंड हो गई है दोस्तों आज, जो अपन देखें तो मोटा मोटा काफ़ी अच्छी खासा अच्छा खासा इसके अंदर आज माल ट्रेड हुआ है, जो अराउंड बैठता है 700 करोड़ के अराउंड बैठता है दोस्तों। और जो लास्ट में जो मार्केट डेप्थ की बात करूं, जब ये स्टॉक क्लोज हुआ था, जब ये आज का जो मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम अगर अपन मार्केट डेप्थ की बात करें तो दोस्तों जो उस टाइम पे भी जब इंट्राडे हावी रहता है, जब लोग सेलर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं, उस टाइम पर भी आप देखोगे तो बायर 71% थे और जो सेलर्स थे वो 29% थे। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के शेयर के लिए, आगे फ्यूचर ट्रेड के लिए, आने वाले 4-5 दिन के ट्रेड के लिए ये काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ है इसके, और ये इंडिकेशन देता है कि जो ये स्टॉक है आने वाले दिनों में आपको काफ़ी अच्छा खासा सस्टेन करता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, अपने डबल डिजिट को टच करता हुआ दोस्तों दिखेगा। और ये इसके बारे में मैंने पूरा इन डेप्थ आज का चार्ट, अपन ने आज का चार्ट देखा, उसके बाद में इसकी जो स्टॉक है उसका एनालिसिस किया, और उसके बाद में आगे आने वाले फ्यूचर ट्रेंड को अपन ने थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की दोस्तों। ये था इसके बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस। दोस्तों आपको ये स्टॉक का एनालिसिस कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे के सारे कमेंट में जो क्वेश्चंस और जो देते हो आप उसके सारे के सारे मैं पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ दोस्तों। और आपको अगर ये अच्छा लगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहो लगातार। थैंक यू दोस्तों।